आज ज्ञापन सौंपना है? देखिए, महिलाओं के खिलाफ जो कुछ अजमेर शहर में घट रहा है, और सबसे ताजुब की बात तो यह है कि प्रशासनिक अधिकारियों तक को नहीं छोड़ा जा रहा है, और वो बहुत बुरी तरह से जो है प्रताड़ित अपने आप को महसूस कर रही हैं। पूरा महिला समुदाय इस बात से बहुत दुखी है कि ऐसे लोग और मोटिवेट हो रहे हैं और उनको ऐसे हरकतें करने के लिए और मतलब समय मिल रहा है। तो उस बात को लेकर के हम एसपी साहब को मिले हैं और उनको हमने आग्रह किया है कि इस तरह की घटनाएं रुकें और इस तरह के लोग पनिश हों, उनको किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाए, चाहे वो कितने भी राजनीतिक ओहदा कुछ भी रखते हों, लेकिन अपराधी तो अपराधी ही होता है, इसलिए ऐसे अपराधियों को छोड़ा नहीं जाए। कोर्ट में कहीं जाकर के उनको अगर से अपनी बात कहनी हो, अपने प्रूफ दिखाने हो, एविडेंस देना हो, तो जो भी एविडेंस उनके पास अवेलेबल है उनको वो कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि कोर्ट निर्णय करते समय सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए वो निर्णय कर सके। उसी नाते से हम एसपी साहब को आज मुलाकात की है और उन्होंने हमें संतुष्ट किया है कि जो भी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है, ऑन पेपर्स पे हैं, वो निश्चित रूप से न्यायालय के संज्ञान में लाई जाएंगी। अभी किसको लेकर, किस संबंध में? अभी जो अजमेर शहर में जो प्रकरण चल रहा है, जो प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर के जो टिप्पणी की गई है, उसी संदर्भ में हमारी मुलाकात हुई है। कौन सी कॉलेज है, क्या प्रोग्राम होगा आज हमारे विश्वविद्यालय के अंदर? आज के विश्वविद्यालय के अंदर आज वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया है, उसमें हमारे अभिभावकों का भी सम्मान हुआ है और मुख्य अतिथि शक्ति सिंह जी वो भी पधारे हैं, शक्ति सिंह जी शेखावत, उनका भी सम्मान हुआ है और हमारे अभिभावकों का भी सम्मान हुआ है। आज जो पूरे साल भर के जितने भी प्रतियोगिता में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, सभी को आज इनाम दिए जाएंगे। यहाँ पे सभी को, सभी के उनके भी माता पिताओं को कहा था कि आप भी आइए, सभी के माता पिता, आज पूरा कार्यक्रम ही अभिभावकों के तौर पे ही किया गया कि अभिभावक आए और देखे अपने बच्चों में कितनी काबिलियत है और उन्होंने क्या काम किया है। साल भर के जितने भी छात्र हैं उन सभी को सर ने बहुत प्रोत्साहन दिया है। खुशबू साकला, महासचिव श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के साथ 108 संगठन जुड़े हुए हैं, जो शहर भर में अलग अलग व्यावसायिक रूप से संगठन कार्य करते हैं। उनमें ही आगरा गेट व्यापारिक एसोसिएशन भी एक संस्था है, जिनमें चुनाव कराए गए। आज महासंघ के पदाधिकारियों के नेतृत्व में गंज में रीगल होटल में चुनाव कराए गए। सबकी आम सहमति से अध्यक्ष सुरेश जी को, तमोली साहब को बनाया गया और सचिव जो है राजेंद्र जी शर्मा जी को, पोखरणा साहब को बनाया गया, कोशियर सोनी साहब को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया, श्याम सुंदर जी को, और बाकी कार्यकारिणी आपसी सहमति से बनाई जाएगी। उनमें सबसे बड़ी बात ये रही आगरा गेट एसोसिएशन की, जितने भी व्यापारी बंधु हैं, सब जवान लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं किया। यहाँ पर लगभग 100 व्यापारी एकत्रित हुए आगरा गेट के, और महासंघ के पदाधिकारियों के नेतृत्व में निर्विरोध जो चुनाव हुए और सब सहमति से जो चुनाव किए गए, आगरा गेट के व्यापारी धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने आम सहमति बनाकर और सब ने अपनी बात रख के कि ऐसा जो है अध्यक्ष चुना जाए और सेक्रेटरी वगैरह पदाधिकारी चुने जाए जो व्यापारियों के लिए समय दे सके, इसमें तन मन धन से जो सहयोग करे और व्यापारियों की समस्याओं को समझ सके, ऐसे कार्यकारिणी का गठन किया गया, निष्पक्ष रूप से हुआ। मानमल जी गोयल अध्यक्षता करी और बागचंद जी दौलतानी, नरेंद्र सिंह जी छाबड़ा,
और राजीव जी निराला जो कबीर बाजार के हैं, सब ने व्यापारिक महासंघ के पदाधिकारियों ने इनके चुनाव में भूमिका अदा करी और इनकी कार्यकारिणी की घोषणा करी है और शीघ्र ही ये सब मिलकर के अपनी पूरी कार्यकारिणी की घोषणा करेंगे। हम सब इनकी कार्यकारिणी को शुभकामना देते हैं, क्यों इन्होंने सबसे बड़ा प्यार का जो है ना मैसेज दिया है सबको कि इनमें जो है गैर राजनीतिक तरीके से जो चुनाव होते हैं इनमें सब प्यार से रहें, शहर के लोग हैं, समस्या नहीं हो और उसका समाधान भी बैठ कर हो, यह आज निर्णय लिया गया। रमेश लालवानी महासचिव श्री जी। हाँ जी, राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन कर्मचारी अध्यक्ष पद के चुनाव अजमेर में होने जा रहे थे, जिसको लेकर काफ़ी महीनों से ये चर्चाएं की जा रही थी कि चुनाव की रसीद कटाई जाए, लेकिन पूर्व में 2-3 बार रसीद कटाने के बाद भी चुनाव नहीं हो पाया, जिसके रहकर तो पिछले 1 महीने से चुनाव रसीदें काटी जा रही हैं, जिनमें कुछ व्यक्तियों ने व्यक्ति विशेष के लोगों की रसीद गोपनीय तरीके से काट कर सारी प्रक्रिया कम्प्लीट कर ली। जेएलएन चिकित्सालय में वर्तमान में 1258 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें से मात्र लगभग 700 व्यक्तियों की ही रसीद कटी गई है, बाकी की 600 कर्मचारियों की रसीद आज दिनांक तक नहीं काटी गई, जिसके विरोध में आज 600 कर्मचारी मुख्य चुनाव अधिकारी नरेंद्र दायमा जी से मिले और सारी समस्या से अवगत कराया कि अगर अध्यक्ष का चुनाव होना है तो 1258 कर्मचारी चुनाव करेंगे। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार है, मतदान की शक्ति छीनकर किसी को अध्यक्ष चुनना असंवैधानिक तरीका है, जिसका खुलेआम विरोध करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा चुनाव के मुख्य अधिकारी नरेंद्र दायमा जी को, जिन्होंने कर्मचारियों के हित को देखते हुए ये निर्णय लिया और चुनाव को स्थगित करते हुए आगे की डेट सभी के समीकरण से मिल बैठ कर तैयार की जाएगी। आज की संपूर्ण प्रक्रिया में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जितने भी कर्मचारियों के सहयोग और समर्थन से ये सारा काम हुआ है और जल्दी ही अग्रिम डेट निर्धारित करके यह चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। आपका परिचय? मैं पवन कुमार मीणा, प्रदेश संयोजक राजस्थान नर्सेज भर्ती 2018 संघर्ष समिति। राजस्थान राज्य एथलेटिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त आज अजमेर संभाग का एथलेटिक कप की प्रतियोगिताएं हो रही हैं। लगभग संभाग के 1200 से अधिक इसे प्रतिभागी अलग अलग प्रकार की एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में दौड़ भी रहे हैं, जंप भी कर रहे हैं, सारे कार्यक्रम कर रहे हैं और विनर्स को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और साथ में इतनी बड़ी संख्या में जो युवकों ने रजिस्ट्रेशन करा के भाग ले रहे हैं उनको भी बधाई देता हूं, ताकि इस प्रकार से दौड़ने का अपना स्वभाव बनाए रखें। यहाँ तो दौड़ें लेकिन जीवन में भी दौड़ लगाते रहें और दौड़ते दौड़ते सफलता के वो कदम इनके चूमें और यह धीरे धीरे अजमेर से प्रारंभ होकर के राजस्थान स्टेट में खेलें, नेशनल लेवल पे खेलें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेलें और भारत की धाक को विश्व में आगे बढ़ाएं। और जिस प्रकार से इस मैदान में नगर निगम ने अपनी सारी व्यवस्थाएं करके अजमेर के खिलाड़ियों के लिए जो सुविधाएं प्रदान की हैं उसे निगम को भी शुभकामनाएं देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, ताकि अजमेर के युवा इस प्रकार से आगे बढ़ते रहें, जीवन में भी बढ़ें और खुद का जीवन भी बढ़ाएं, हमेशा तनाव मुक्त होकर के अपना शरीर को स्वस्थ रखें। हमारा सोच है हर युवक निरोगी बन करके स्वस्थ रह करके अपने हर काम को सफलतापूर्वक करके अजमेर का नाम रोशन करें। एक बार पुनः सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आज यहाँ पटेल स्टेडियम में एथलेटिक गेम्स हो रहे हैं, निश्चित रूप से युवाओं को जो मैदान पर आने का अवसर मिला है और यहाँ से जो हमारी प्रतिभा निकल के आएगी वो देश को भी देगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाएगी। जिस प्रकार से बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जिस प्रकार से दौड़ रहे हैं, आयोजकों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि उनको यहाँ पर मंच प्रदान किया और उनकी प्रतिभा उभारने का मौका दिया। चुनाव कोई प्रक्रिया नहीं होती, अध्यक्ष बन के क्या कर लोगे? नर्सेज की समस्या तो सुनते ना पहले। अब इस चुनाव का पूरा तरीके से विरोध करते हैं। हमें आरएनए कर्मचारी नहीं मानती है, आईडी क्या फर्जी है, क्या आईडी क्या फर्जी है, एलएनडी क्या नहीं चाहिए। बस हर आदमी को वोट देने का अधिकार है, लोकतंत्र है। अपने अपने आदमियों की रसीदें काट ली। चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरह संवैधानिक है, इसका हम पूरे तरीके से पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। मतदान का अधिकार पूरे लोगों का होता है, पूरे लोगों का अधिकार छीनने का अधिकार किसने दिया इनको? चार व्यक्ति विशेष कमरे में बैठकर यह निर्धारित करते हैं कि चुनाव होगा।
या व्यक्ति विशेष का मुखिया बना देना चाहती है। अजमेर की नर्सें जाग चुकी है, खुल्ला इसका विरोध करती है। अगर इसका समाधान नहीं किया गया तो अजमेर में कोई चुनाव नहीं होगा। नर्सिंग एसोसिएशन के चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और ये होनी भी चाहिए। सभी हम नर्सिस बहन भाई सब एक है। रसीद कटाने के लिए मैं खुद गई थी, हर वार्ड के अंदर चार चार बार गई हूँ मैं। कई बच्चों ने कहा कि ये जो यूटीबी वाले थे कि हम नहीं कटाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन अभी मैं एग्री हूँ इस बात के लिए कि मेरे सब भाई एक मंच पे आए, मुझे किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं सबको साथ लेके चलूंगी, सभी रसीद कटवाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके बाद चुनाव करवा लेंगे। शहर में बढ़ रही चोरी की वारदातें, जिनमें खासकर मोटरसाइकिल चोरी और कार चोरी की वारदातों को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक अजमेर ने एक टीम का गठन किया, जो श्री प्रियंका रघुवंशी मैडम के निर्देशन में थानाधिकारी किशनगंज और अन्य स्टाफ को शामिल करके एक टीम बनाई गई थी, जिन्होंने चोरी की वारदातों पे के आसपास के कैमरे और अभय कमांड सेंटर के कैमरों को देखते कर इन्होंने एक वाहन चोर गिरोह का पकड़ने में इन्होंने कामयाबी हासिल की है, जिसमें अभी हमने एक मुलजिम गिरफ्तार किया जिसका नाम सोनू मीणा है, जो विमलपुरा चाकसू का रहने वाला है। इसके कब्जे से पुलिस ने एक चोरी की अल्टो कार, जो अपने यहाँ मित्तल हॉस्पिटल के पास से चोरी हुई थी, वो बरामद की है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त ने एक पल्सर मोटरसाइकिल यहीं से और चोरी करना बताया है। सोनू मीणा के जो साथी अपराधी हैं दीपक पारीक और भरत है, जो जयपुर के निवासी हैं, और इन्होंने जयपुर में भी कई वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देना बताया है। दीपक पारीक वर्तमान में मुआना थाना जयपुर से गिरफ्तार होकर जेसी के न्यायिक अभिरक्षा में है, और भरत मीणा अभी फरार चल रहा है।